आपने अक्सर लोगों को यह कहते जरूर सुना होगा कि सत्य विचलित हो सकता है परंतु परास्त नहीं हो सकता। मगर आज हम जिस शख्स की आपको कहानी सुनाने वाले हैं, वो न केवल पैसों के अभाव में विचलित होता है अपितु अपनी बेबसी के चलते परास्त भी हो जाता है। और हाँ, आपने यह भी जरूर सुना होगा कि कानून अंधा होता है। मगर इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कानून न केवल अंधा होता है अपितु बहरा भी होता है। आज की कहानी है विष्णु तिवारी नाम के एक शख्स की। तो यह विष्णु तिवारी कौन था, इसके साथ क्या हुआ था और आखिर लोग 20 साल बाद बलात्कार की सजा काटने वाले एक व्यक्ति के प्रति अचानक सहानुभूति क्यों जताने लगते हैं, सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम की एक और दिल दहलाने वाली वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस सच्ची कहानी के मुख्य किरदार विष्णु तिवारी का जन्म 1977 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मेहरौनी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले सिलावट गांव में हुआ था। विष्णु तिवारी के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद तिवारी था। परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी। इसका कारण यह था कि पूरा परिवार मेहनती बहुत था और अपनी मेहनत के बल पर ही ये लोग अपनी ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। परिवार में विष्णु तिवारी और उनके माता पिता के अलावा 3 छोटे भाई भी थे। विष्णु तिवारी का मन शुरू से ही पढ़ाई में नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बचपन में ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था। विष्णु तिवारी के पास कुछ अपनी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे। साथ ही कुछ जमीन परिवार वालों ने लगान पर भी ले रखी थी जिस पर पिता और तीनों भाई मिलकर खेती करते थे। इसके अलावा विष्णु तिवारी बनारसी साड़ियों का भी कुशल कारीगर था। जब भी उसे अपनी खेती बाड़ी से मौका मिलता तो वह साड़ी बुनने का काम भी करता था। कुल मिलाकर यह परिवार अपनी मेहनत के बल पर ठीक ठाक जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर यह ठीक ठाक तभी तक था जब तक इस परिवार का एक बेटा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार नहीं हो जाता। बलात्कार के आरोप में बेटे की गिरफ्तारी के बाद आगे जो कुछ भी होता है उससे पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। साल 2000 के सितंबर महीने में इसी गांव की रहने वाली एक महिला पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराती है कि विष्णु तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ बहुत मारपीट की है। इसके साथ साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौच भी की है। इसके अलावा भी वह महिला कहती है कि विष्णु तिवारी नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ बलात्कार भी किया है और यह भी बोला है कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। आरोप काफी गंभीर थे, इसलिए पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर लेती है। विष्णु तिवारी पर बलात्कार, धमकी देने, जाति सूचक गालियां देने जैसे गंभीर धाराओं के अंतर्गत SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। आनन फानन में ही आरोपी विष्णु तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के समय विष्णु की उम्र 23 वर्ष थी। हर आरोपी की तरह विष्णु तिवारी भी सभी आरोपों से इनकार करता है, मगर पुलिस विष्णु की कोई बात नहीं सुनती और उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर देती है। जज साहब पूरे मामले को सुनते हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए बलात्कार के आरोपी विष्णु तिवारी को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया जाता है। इधर पुलिस जांच में जुट जाती है। कुछ महीनों में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद पुलिस फाइनल चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है जिसमें विष्णु तिवारी को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। उधर मामले की सुनवाई चलती रहती है और फाइनली साल 2003 के फरवरी महीने में ट्रायल कोर्ट विष्णु तिवारी के खिलाफ बलात्कार के आरोप को सही पाते हुए उसे दोषी करार देती है। दोषी सिद्ध होने के बाद 24 फरवरी 2003 को विष्णु तिवारी को बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा विष्णु तिवारी को SC ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस सजा को मिलते ही विष्णु तिवारी को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से निकालकर आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। इस जेल में विष्णु तिवारी बतौर रसोईया काम करने लगता है। इधर विष्णु को जैसे ही बलात्कार का दोषी पाया जाता है,
विष्णु के परिवार को समाज से लगभग अलग कर दिया जाता है, जिसे गांव की भाषा में हुक्का गिरा देना कहते हैं। इसके बाद विष्णु के पिता को समाज में एक बलात्कारी का पिता कहकर बुलाए जाने लगता है। पूरे परिवार पर बलात्कारी होने का कलंक लग जाता है और यह वह कलंक था जिसे वो जीते जी नहीं हटा पाए। लोअर कोर्ट से सजा मिलने के बाद इनके पास हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प अभी भी था, मगर विष्णु तिवारी के परिवार वाले चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विष्णु के बलात्कार के आरोप में जेल जाने के बाद उन लोगों का काम धंधा लगभग चौपट हो जाता है। इस कारण उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े वकील को हायर कर सकें और हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकें। कुल मिलाकर परिवार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। इन लोगों की जो भी सेविंग थी वो गिरफ्तारी के बाद के पहले 3 साल में ही लगभग खत्म हो गई थी। इसके अलावा लोअर कोर्ट में चली कानूनी लड़ाई के दौरान ही वकीलों की फीस देने के लिए विष्णु तिवारी ने अपनी जमीन तक बेच दी थी। अगले 2 साल तक विष्णु तिवारी जेल में सजा काटता है, लेकिन जब परिवार वाले कुछ पैसों का इंतजाम कर लेते हैं तो हिम्मत जुटाकर इस फैसले के खिलाफ विष्णु तिवारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करता है। फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल से ज्यादा गुजर जाते हैं, मगर केस की सुनवाई का नंबर ही नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आम कैदियों को महीने में या फिर तय समय के अनुसार परिवार वालों से मिलने की अनुमति होती है, मगर विष्णु तिवारी चाहकर भी परिवार वालों से नहीं मिल पाता था। विष्णु तिवारी के पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी अक्सर जेल में अपने बेटे से मिलने जाया करते थे, मगर महीनों महीनों गुजर जाते थे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद विष्णु तिवारी के पिता अक्सर मिलने की कोशिश करते रहते थे और मौका मिलने पर अमूमन वह मिल भी जाते थे। अब साल आ चुका था 2014। विष्णु तिवारी को जेल की सजा काटते हुए 14 साल बीत गए थे। परिवार वालों की उम्मीद थी कि शायद अब वह बाहर आ जाएगा, मगर ना तो विष्णु तिवारी को पैरोल मिलती है और ना ही बेल। इसके बाद विष्णु तिवारी के लगातार जेल में रहने से उनके पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी पर काफी बुरा असर पड़ा और वह अपने बेटे के गम और परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर टूट गए थे और वह कई बीमारियों से भी घिर जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि गिरे हुए में 2 लात ज्यादा लगती हैं, और यहाँ भी यही हुआ, क्योंकि रामेश्वर प्रसाद तिवारी को लकवा मार गया था। परिवार के पास इलाज तो दूर, खाने तक के पैसे नहीं थे। कुछ दिनों तक तो रामेश्वर प्रसाद हालत से लड़ते रहे, मगर 2014 में उनका देहांत हो जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इधर विष्णु तिवारी अब तक इस बात से अनजान था और अगले कई महीनों तक वह अपने पिता की मृत्यु की खबर से अनजान रहता है। जब तक विष्णु तिवारी के पिता जिंदा थे, महीने 2 महीने में अपने बेटे से मिलने आ जाया करते थे, मगर इस बार कई महीने बीत गए और विष्णु तिवारी से मिलने कोई नहीं आया था। जब कई महीने तक पिता मिलने नहीं आते तो जेल के अंदर विष्णु तिवारी अनहोनी की आशंका में घिर जाता है। इस तरह पिताजी के इंतजार में कई महीने और बीत जाते हैं, मगर एक दिन विष्णु तिवारी को जेल में एक पत्र मिलता है। यह पत्र गांव के किसी परिचित ने उसे भेजा था। दरअसल ये पत्र यह बताने के लिए भेजा गया था कि 6 महीने पहले तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु की खबर मिलने के बाद विष्णु पैरोल की मांग करता है, लेकिन उसकी यह मांग ठुकरा दी जाती है और वो जेल में ही कैद रहता है। दिन गुजरते रहते हैं, महीने गुजरते रहते हैं, यहाँ तक कि साल भी गुजरते रहते हैं, मगर विष्णु तिवारी को रिहाई नहीं मिलती। बाहरी दुनिया में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा था, लेकिन विष्णु तिवारी उन सभी बदलावों से बेखबर था, क्योंकि उसे जेल में किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता था। काफी कोशिशों के बावजूद 2018 में परिवार के एक सदस्य को विष्णु तिवारी से मिलने की इजाजत मिल जाती है। इसके बाद विष्णु तिवारी थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि काफी समय बाद उससे कोई मिलने आ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई महादेव था।
मगर भाई से मिलने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। भाई बताता है कि 2014 में पिताजी की मृत्यु के लगभग एक साल बाद ही उनकी माँ का भी देहांत हो गया। इसके अलावा माँ की मृत्यु के बाद हार्ट अटैक से दो भाइयों की भी मौत हो जाती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद विष्णु तड़प कर रह जाता है, मगर कुछ नहीं कर पाता। वो खुद को ही कोसता रह जाता है कि आखिर मैंने कैसा गुनाह कर दिया है कि ना तो माता पिता को कंधा दे सका और ना ही भाइयों की अर्थी को सहारा दे पाया। अब तक विष्णु को जेल में गए हुए लगभग 19 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका था। विष्णु तिवारी ने 2005 में निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील भी की थी। साल 2019 आ चुका था, मगर अब तक विष्णु की अपील वाली फाइल हाई कोर्ट के किसी कबाड़ खाने में धूल फांक रही थी। कहने में तो यह अच्छा नहीं लगता, मगर हकीकत यही था। बीते समय के साथ साथ विष्णु भी अपनी रिहाई की उम्मीद को अब छोड़ चुका था। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा होता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेल प्रशासन के एक अधिकारी की नजर विष्णु पर पड़ती है। वो विष्णु के व्यवहार से काफी प्रभावित होते हैं और उसके बारे में जानकारियां जुटाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि विष्णु तिवारी पिछले 20 साल से बलात्कार की सजा काट रहा है। उसे उम्र कैद की सजा मिली है और इस बीच अब तक ना तो उसे बेल मिली है और ना ही एक भी बार उसे पैरोल पर बाहर जाने दिया गया है। अब वह अधिकारी विष्णु तिवारी की फाइल को मंगाता है तो पता चलता है कि विष्णु तिवारी ने 2005 में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी, मगर उसकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अधिकारी विष्णु तिवारी के विषय में और जानकारी जुटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विष्णु तिवारी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसके चलते वह दोबारा भी अपील नहीं कर पाया था। उसके पास वकील को फीस देने तक के पैसे नहीं बचे हुए थे। इसके बाद वह अधिकारी विष्णु तिवारी की पूरी फाइल मंगाता है और उसकी गहराई से अध्ययन करता है तो उन्हें उसमें कई खामी नजर आती हैं। जेल अधिकारी की निशानदेही पर इस मामले में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दखल देती है और कबाड़ खाने से विष्णु तिवारी की पुरानी फाइल निकाली जाती है और फाइनली 2020 में निचली अदालत के खिलाफ दायर अपील की पहली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होती है और यह सुनवाई अगले कई दिनों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलती है। पूरी सुनवाई के दौरान कई सारी खामियां नजर आती हैं। सबसे पहले तो कोर्ट यह नोटिस करता है कि साल 2000 में जिस तारीख को महिला ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी उस दिन FIR दर्ज नहीं हुई थी, बल्कि उसके 3-4 दिन बाद FIR दर्ज की गई थी। शुरू से सभी को यही जानकारी थी कि महिला ने खुद जाकर FIR दर्ज कराई है, मगर ऐसा नहीं था। हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पता चलता है कि महिला के पति और ससुर ने FIR दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट यह भी नोटिस करता है कि निचली अदालत में पुलिस द्वारा ना तो कोई सबूत पेश किया गया था और ना ही कोई गवाह, बल्कि केवल पुलिस की चार्जशीट और FIR को आधार मानते हुए निचली अदालत ने विष्णु तिवारी को FIR में दर्ज की गई सभी धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ विष्णु तिवारी ने मारपीट की है और उसका बलात्कार किया है, जबकि उस समय की मेडिकल रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि महिला के प्राइवेट पार्ट पर किसी भी चोट के निशान नहीं मिले थे और ना ही महिला के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान थे। इसके बावजूद भी निचली अदालत ने सभी फैक्ट और तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए महज पुलिस FIR और चार्जशीट को आधार बनाते हुए विष्णु तिवारी को बलात्कार के जुर्म में 10 साल की सजा तथा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सश्रम आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई थी। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद तथा अपनी ओर से और कुछ जांच कराने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जज विष्णु तिवारी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और फर्जी करार देते हैं। इसका मतलब विष्णु तिवारी को उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने किया ही नहीं था। 19 साल 3 महीने और 3 दिन तक विष्णु तिवारी उस जुर्म की सजा काटते रहे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। पूरी सुनवाई के बाद तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट
विष्णु तिवारी को बाइज्जत बरी करने का हुक्म देता है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद फाइनली 2 मार्च 2021 को विष्णु तिवारी को आगरा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया जाता है। 2 मार्च 2021 की शाम विष्णु तिवारी जेल से बाहर आए तो उनके पास एक हाथ में एक छोटा सा बैग था और दूसरे हाथ में एक झोला था जिसमें उनका कुछ जरूरी सामान और कुछ कपड़े थे। इसके अलावा विष्णु तिवारी के पास 600 रुपए भी थे जो उन्होंने पिछले 20 साल जेल में बतौर रसोईया काम करते हुए कमाए थे। हालांकि भारत देश में बेगार कराना कानूनी अपराध है मगर यह जेलों में अभी भी जारी है। 20 साल में किसी को मजदूरी के रूप में 600 रुपए देना क्या खुद में एक अपराध नहीं है? क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? खैर, यदि हम यह विचार करें कि विष्णु तिवारी ने इस समय क्या खोया तो उसका हिसाब लगाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा, क्योंकि हम उसके घर, मकान, जमीन, जायदाद की तो पूर्ति कर सकते हैं मगर उन्होंने जो अपनी जवानी के 20 साल जेल की चार दीवारी में गुजार दी उसकी पूर्ति इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जितना उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया उसे भी कोई नहीं लौटा पाएगा। और संयोग भी ऐसा था कि वह उस समय जेल गए थे जिस समय पूरा भारत बदल रहा था। उनके जेल जाने के बाद मोबाइल आया जिससे दूर बैठकर बातें की जा सकती थी, फिर इंटरनेट आया जिसके माध्यम से दूर बैठकर फेस टू फेस बातें की जा सकती थी, ATM आया जिससे कहीं भी पैसे निकाले जा सकते थे। इसके अलावा भी हजारों परिवर्तन भारत में हुए जो हमारी नस नस में बस गए, परंतु विष्णु तिवारी इन चीजों से बिल्कुल परिचित नहीं है। जेल से निकलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। जब विष्णु तिवारी जेल गए थे तो उस समय उनकी उम्र 23 साल थी और जब वह जेल से बाहर आए तो वह 43 साल के हो चुके थे। जेल जाने से पहले उनका हंसता खेलता परिवार था, घर में माता पिता और 3 भाई थे मगर 20 साल में विष्णु ने अपने माता पिता और 2 भाइयों को खो दिया। ना तो माता पिता की अर्थी को कंधा दे सके और ना ही भाइयों को। जेल जाने से पहले उनके पास कई सारी भैंसें थीं और यह खेती बाड़ी भी करते थे मगर जेल जाने के बाद सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। लगभग सारी जमीन कानूनी खर्चा उठाने में बिक गई। एक सवाल आपके जहन में अब भी चल रहा होगा कि आखिर वह क्या वजह थी कि विष्णु तिवारी पर फर्जी FIR दर्ज कराई गई और उन्हें जबरदस्ती जेल भेजा गया। दरअसल यह पूरा मामला कुछ जमीनी विवाद और पशुओं को बांधने को लेकर मामूली कहासुनी से जुड़ा हुआ था और इसी को लेकर झगड़ा साल 2000 के नवंबर महीने में भी हुआ था। इसी झगड़े के बाद वह महिला थाने में जाकर फर्जी शिकायत दर्ज करा देती है। पहले तो महिला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं होती लेकिन उस महिला का पति और ससुर कुछ स्थानीय झोला छाप नेताओं को लेकर थाने में चला जाता है और फिर राजनीतिक दबाव में FIR दर्ज कर ली जाती है और मनगढ़ंत धाराएं भी लगा दी जाती हैं ताकि आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसी जमीनी विवाद और जानवरों को बांधने को लेकर होने वाले झगड़े को फर्जी FIR का मोटिव मानते हुए विष्णु तिवारी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर सामने आई थी वो ये थी कि इस पूरे मामले में SC ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ था, क्योंकि शिकायत करने वाली महिला का परिवार दलित था जबकि विष्णु तिवारी का परिवार ब्राह्मण था, इसलिए दर्ज FIR में जानबूझकर SC ST की धाराएं लगवाते हुए आपसी जमीनी विवाद को दूसरा रंग दे दिया गया। खैर, जब हाई कोर्ट का फैसला आया और विष्णु तिवारी को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया तो उसके बाद लोग कहने लगे कि सच्चाई की जीत हुई, मगर आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जब 20 साल सजा काटने की सच्चाई को जीत कहेंगे तो आखिर झूठ की हार किसे कहेंगे? हाईकोर्ट द्वारा विष्णु तिवारी को बरी करने का विष्णु तिवारी को केवल मानसिक फायदा होता है। विष्णु तिवारी कहते हैं कि मेरे ऊपर से एक बलात्कारी होने का दाग हट गया, मेरे लिए यह ही बहुत बड़ी बात है और मैं शायद जीवित भी इसीलिए था कि मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं निर्दोष हूं, वरना कब का खुदकुशी करके मर चुका होता। इस पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं? किसने कब
और कहां गलती की और अपने पद का दुरुपयोग किया हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका दिल जरूर व्यथित हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो निर्बाध रूप से प्राप्त होते रहें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।